आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पाठशाला रेलवे एग्जाम में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग दीक्षित। और जी हां, इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनटीपीसी सीबीटी 2 के लेवल 2, 3 और 5 के, जिनका एग्जाम 12 जून, 13 जून और 14 जून को हुआ है, उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जोन के हिसाब से डिफरेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं आगे और बताता हूं मैं आपको क्या रहने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्या होगा विभिन्न जोन्स का सेफ स्कोर। अगर आप उतने से उतने नंबर के बीच में खेल रहे हैं तो इसका मतलब आप सुरक्षित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। गोरखपुर, मुंबई, बिलासपुर, मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर जोन के, जिनके एग्जाम की मैं बात करूं तो लेवल 5 का एग्जाम हुआ था 12 जून को फर्स्ट शिफ्ट में, लेवल 2 का एग्जाम हुआ 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट में, लेवल 3 का एग्जाम हुआ है 14 जून को फर्स्ट शिफ्ट में। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि कितने बच्चों का प्रेजेंट होना रहा है इस एग्जाम में, कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लगभग 90-95% बच्चों ने एग्जाम दिया है। एग्जाम को छोड़ने वाले बच्चों की संख्या केवल 5-10% है, किन्हीं विभिन्न कारणों से, देर से पहुंचने के कारण या ट्रेन न मिलने के कारण या रिजर्वेशन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण इन बच्चों के एग्जाम छूट गए होंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जिन बच्चों ने सीबीटी 1 क्लियर किया था वो सीबीटी 2 के लिए अपियर होंगे। हो सकता है विभिन्न कारणों के कारण इन 5-10% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 90-95% बच्चा एग्जाम में अपियर हुआ है। यानी कि अगर किसी कक्ष में, परीक्षा हॉल के किसी कक्ष में अगर संख्या रही मान लीजिए 30 बच्चों की, उसमें लगभग एक या दो बच्चा एब्सेंट रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक से मालूम पड़ा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब मैं बात करता हूं तीन और बोर्ड, रांची, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद की, जिनके एग्जाम लेवल 5 के लिए हुए हैं 12 जून को सेकंड शिफ्ट में, लेवल 2 का एग्जाम हुआ है 13 जून को सेकंड शिफ्ट में और लेवल 3 का एग्जाम हुआ है 14 जून को सेकंड शिफ्ट में। इन सभी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात मैं करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूं कट ऑफ फॉर लेवल 5, 2 एंड 3, कौन कौन से बोर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, इसमें मैं शामिल करने जा रहा हूँ गोरखपुर, मुंबई, बिलासपुर, मुजफ्फरपुर, भुवनेश्वर, इन जोन की अगर मैं बात करूँ, और ये खास तौर पर लेवल 5 के लिए कट ऑफ बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 74 नंबर से 82 नंबर तक जाएगा। यानी आप अगर इससे प्लस माइनस 1 या 2 नंबर हैं तो आप सेफ स्कोर में खेलेंगे, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आपका स्कोर सेफ है, ये सेफ स्कोर है, ठीक। उसके बाद अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 66 से लेकर 73 के बीच में इनका कट ऑफ वेरी करेगा लेवल 5 के लिए इन बोर्ड्स का, जिनके एग्जाम 12, 13 और 14 जून को हुए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करूं तो 65 से 67 नंबर के बीच में इनका कट ऑफ रहेगा, प्लस माइनस आप 2 नंबर को लेकर चलेंगे, ठीक है। और अगर एससी कैंडिडेट की बात करता हूं तो 60 से 64, और एसटी कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहने वाला है लेवल 5 के लिए गोरखपुर बोर्ड, मुंबई बोर्ड, बिलासपुर बोर्ड, मुजफ्फरपुर बोर्ड और भुवनेश्वर बोर्ड के जोन का, इनका कट ऑफ रहने वाला है 52 से 54 का। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो हिसाब किताब होगा हो सकता है कि फॉलो हो जाए, इसमें पॉसिबल है, मैं कह रहा हूं ना कि हो सकता है, ठीक है। अगले लेवल 2 की तरफ चलते हैं और इसके कट ऑफ की बात करते हैं, जिसका एग्जाम हुआ था गोरखपुर बोर्ड से, मुंबई बोर्ड, बिलासपुर, मुजफ्फरपुर और भुवनेश्वर जोन से। तो इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 72 से 77 तक हो सकता है, ओबीसी का कट ऑफ जो हो सकता है 65 से 73 नंबर के बीच में, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 से 69 नंबर के बीच में रहेगा। यहां पर 4 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और जनरल से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 8 नंबर का फर्क देखने को मिल जाएगा, और मुझे लगता है 8 नंबर बहुत होते हैं, आपको भी लगता होगा। एससी कैटेगरी का कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 58 से 63 नंबर के बीच में इनके कट ऑफ का वेरिएशन होने की पूरी पूरी संभावना है, प्लस माइनस 2 नंबर के साथ। और एसटी कैटेगरी के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 56 से 60 नंबर इनका रहने वाला है, और मुझे लगता है 56 से 60 की जगह मैं अगर इसको 56 से 58 लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, प्लस माइनस 2 के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं लेवल 3 के, लेवल 3 का इन्हीं जोन्स का अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं जिन्होंने लेवल 3 का एग्जाम दिया है, यानी कि ये एग्जाम हुआ होगा 14 तारीख को, तो इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो होगा 80 से 84% होगा। आप समझ रहे होंगे कि ये कट ऑफ इतना धीमा या इतना कम मैं क्यों बता रहा हूं, अभी इसका भी रीजन बताऊंगा और ऐसा क्यों होगा, ये होने वाला है, रिजल्ट आने पर आपको भी पता चलेगा ऐसा क्यों होगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा।
ओबीसी का कट ऑफ 75 से 79, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो रहने वाला है वो 70 से 76 नंबर के बीच में जाएगा। ऐसी कैटेगरी जहां पर 64 से 69 नंबर के बीच में स्कोर लाने पर अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, और वहीं एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 58 से 63 नंबर के बीच में रहने वाला है। अगर मैं आगे की बात करूं तो लेवल 5 के कट ऑफ की बात करता हूं, लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए बोर्ड चेंज हो गए, जोन चेंज हो गए। अब मैं रांची, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद जोन के यानी बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो इसमें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो होगा 76 से 80 नंबर के बीच में वेरी करेगा। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं प्लस माइनस 2 नंबर के साथ। ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो 67 से 71 नंबर के बीच में वेरिएशन होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस वहीं पर 65 से 68 नंबर के बीच में वेरी करेगा। इसको मैं थोड़ा सा सुधार देता हूं तो 63 से 68 के बीच में वेरिएशन होने की इसमें संभावना है। ईडब्ल्यूएस लेवल 5 जोन रांची, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करता हूं तो 60 से 63 नंबर के बीच में इनके कट ऑफ होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और एसटी कैटेगरी वहीं पर अगर 55 से 60 नंबर लाकर इसका अभ्यर्थी आते हैं तो अपने आप को सेफ जोन में महसूस कर सकता है। नेक्स्ट में जाता हूं लेवल 2 सेम बोर्ड सेम जोन के लिए, रांची, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद जोन के लिए अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी 76 से 76 से 80। आप देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ किसी भी जोन के लिए किसी भी बोर्ड के लिए किसी भी लेवल में लगभग 80 के आसपास है, 75 से 85 के बीच में ही रह रहा है, इतना होगा। कारण क्या है मैं बताऊंगा। ओबीसी वहीं पर 68 से 72 के बीच में रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 66 से 70 नंबर के बीच में रहेगा। एससी कैटेगरी 60 से 65, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो होगा वो रहने वाला है 58 से 65 प्लस माइनस 2 नंबर के साथ। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, आप कहोगे सर इनका कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों जा रहा है, लेवल 5 का कट ऑफ है हमेशा ज्यादा क्यों हो रहा है, जनरल कैटेगरी का तो वैसे भी मान लीजिए जाता है। जनरल कैटेगरी लेवल 3 के लिए अगर देखा जाए, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अगर लेवल 3 के लिए देखा जाए तो ये 77 से 82 के बीच में वैरी करेगा। ओबीसी 72 से 76 के बीच में लाने वाले अभ्यर्थी जो होंगे वो अपने आप को सेफ स्कोर के रूप में महसूस कर सकते हैं, सेफ रहेंगे। EWS 68 से 72, SC कैटेगरी का कट ऑफ 64 से 68 रहने वाला है, और जबकि ST कैटेगरी का कट ऑफ 60 से 65 के बीच में रहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कि लेवल 5 के लिए ये कट ऑफ ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि परीक्षा में अपीयर हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा है। अच्छा, आपको पता है ना कि लेवल 5 के लिए कोई टाइपिंग नहीं है, इसके बावजूद इसका कट ऑफ जो है लगभग देखा जाए तो वैसे ज्यादा है, लेकिन अगर प्रीवियसली इसको देखा जाए तो ये लेवल 5 का जो कट ऑफ है प्रीवियस हिसाब से यानी प्रीवियस एनटीपीसी सीबीटी 2 के हिसाब से कम रखने की इस बार संभावना है। लेकिन वहीं लेवल 3 और लेवल 2 का कट ऑफ ये प्रीवियस ईयर से ज्यादा हो रहा है, जबकि इसमें दोनों में टाइपिंग भी है। टाइपिंग होने के बावजूद भी इनका कट ऑफ ज्यादा रहने की उम्मीद है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि परीक्षा में अपीयर हुए थे उनकी संख्या अच्छी खासी प्रेजेंट रही है, यानी कि 90 से 95% अगर बच्चा 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम देने पहुंचा है तो आप समझिए कि इतने इंतजार के बाद अगर वो एग्जाम देने पहुंचा है तो खाली पीली तो नहीं पहुंचा होगा ना, उसकी तैयारी होगी तभी वो पहुंचा होगा एग्जाम देने के लिए। किसी का सेंटर 800 किलोमीटर दूर है, कानपुर वाले को अलीगढ़ भेजा जा रहा है, पटना भेजा जा रहा है, बिहार वाले को उठाकर कानपुर ला दिया गया, तो इतना जो डिस्टेंस का वेरिएशन आ रहा है ये तभी आ रहा है जब बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा कि नहीं मैंने पढ़ाई की, मैं एग्जाम तो देने जाना ही हूं। 5 से 10% बच्चे जो परीक्षा में अपियर नहीं हो पाए उनके साथ हो सकता है किसी भी कारणवश, बीमारी के कारणवश, रिजर्वेशन ना मिलने के कारणवश, या परीक्षा केंद्रों में देर से पहुंचने के कारण वो परीक्षा से वंचित रहे। बावजूद इसके 12, 13 और 14 में लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का जो कट ऑफ है वो इन स्तर पर जाएगा प्लस माइनस 2 नंबर के साथ। तो आपका भी स्कोर आप अपने हिसाब से चेक करिएगा, अभी कुछ समय में आंसर की आ जाएगी, स्कोर चेक करने के बाद जब आंसर की आ जाएगी तो आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप इन नंबरों के आसपास हैं तो आप सेफ स्कोर पर हैं। थैंक यू सो मच।